Hi everyone, I hope you all are well. Welcome to Right Guidance and Ambition. My name is Anjali. So, इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ यूनिट 1 का जो सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ. इससे पहले सिलेबस एग्जाम पैटर्न और यूनिट 1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ. जिन्होंने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं उस प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी सब्जेक्ट की मैं वीडियोज़ अपलोड कर रही हूँ आप लाइन वाइज देखो ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो. नाउ विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट स्टार्ट विद आवर टॉपिक. सो क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द वर्क्स ऑफ जॉन लॉरेंस एज अ चीफ कमिश्नर ऑफ पंजाब. तो सबसे पहले आपने लिखना है इंट्रोडक्शन. इन 1830 जॉन लॉरेंस टुक अप द अपॉइंटमेंट अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनी. जैसे कि हमें पता ही है कि ब्रिटिशर्स जो है इंडिया में ट्रेड करने आए थे और उन्होंने अपनी कंपनी का नाम रखा था ईस्ट इंडिया कंपनी. जॉन लॉरेंस ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ज्वाइन किया था 1830 में. इन 1849 ही ज्वाइन द पंजाब बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. सो जॉन लॉरेंस ने 1849 के अंदर पंजाब बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को भी ज्वाइन किया था. पंजाब बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में मैं आपको प्रीवियस वीडियो में समझा चुकी हूँ पूरा डिटेल में. आफ्टर इट्स डिसॉल्यूशन इन 1853 बिकम द चीफ कमिश्नर ऑफ द पंजाब. और बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडिया में 4 साल काम किया और उसके बाद बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को बंद कर दिया गया. फिर उसके बाद जॉन लॉरेंस थे वो पंजाब के चीफ कमिश्नर जो थे वो बने. ही वॉज अ हेड ऑफ द वेरियस ब्रांचेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. बहुत सारे ब्रांचेस के जो हेड थे उस टाइम पे जॉन लॉरेंस को बनाया गया था. ही टुक कीन इंटरेस्ट इन ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बाय पर्सनली सुपरवाइजिंग देम. अब जॉन लॉरेंस जो थे हर एक चीज़ को डिटेल में चेक करते थे. जितने भी डिपार्टमेंट्स थे उस टाइम पर पंजाब में वो सारे उनके अंडर आते थे और वो पर्सनली सुपरवाइज करते थे हर डिपार्टमेंट को. उनकी वर्किंग जो थी वो चेक करते थे. फाइनेंस कमिश्नर एंड जुडिशियल कमिश्नर वर्क अंडर हिज कमांड. तो दो मेन कमिश्नर हुआ करते थे उस टाइम पे, फाइनेंसिस से रिलेटेड जो टैक्स और रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे और दूसरा जुडिशियल जो जुडिशरी से कनेक्टेड डिसीजन लेंगे. वो दोनों कमिश्नर जो थे वो जॉन लॉरेंस के अंडर वर्क करते थे. नेक्स्ट हेडिंग आपने डालनी है वर्क्स ऑफ जॉन लॉरेंस. फर्स्ट पॉइंट है रिफॉर्म्स इन पुलिस सिस्टम, कि पुलिस सिस्टम को अच्छा करने के लिए जॉन लॉरेंस ने बहुत सारे उसमें चेंजेस किए थे. ही मेड नेसेसरी रिफॉर्म्स इन द पुलिस सिस्टम. तो जो जो जरूरत की रिफॉर्म्स होने चाहिए थे उन्होंने सब वो पुलिस सिस्टम के अंदर चेंज किए. ही कन्फर्म द सर्विसेज ऑफ द सोल्जर्स एंड फॉर्म्ड रूल्स फॉर देयर प्रमोशन. तो जिस तरीके से सोल्जर्स ने सर्विस करनी है उनके रूल्स रेगुलेशन और उनकी प्रमोशन से रिलेटेड सारे रूल्स रेगुलेशन को अच्छे से बनाया. फॉर फैसिलिटेटिंग एंड इंकरेजिंग ट्रेड इट सिक्योरिटी ही सेट अप अ रिवर पुलिस. तो जैसे कि हमें पता है कि उस टाइम पर ट्रेड जो था वो रिवर में यानी कि वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्ट हम लोग चीज़ें करते थे. अगर हमने कुछ भी चीज़ें बेचनी है दूसरी जगह पर तो उस टाइम पर कोई भी उसको चुराए नहीं, उस सामान की ठगी ना हो, इसकी वजह से उन्होंने रिवर पुलिस जो है वो सेटअप की स्पेसिफिकली ट्रेड को प्रमोट करने के लिए. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस पुलिस ऑफिसर्स बिकम लॉयल टू द गवर्नमेंट एंड हेल्प्ड इन सप्रेसिंग वेरियस क्राइम्स. और इसी वजह से जो बहुत सारे ऑफिसर्स हैं वो सरकार के लिए लॉयल हो गए, उन्होंने अच्छे से काम करना शुरू किया. की वजह से जो क्राइम रेट है उस टाइम पे धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया था. तो सबसे पहला काम जॉन लॉरेंस का ये था कि उन्होंने पुलिस सिस्टम को ठीक किया. सेकेंड पॉइंट है वर्क्स फॉर पब्लिक वेलफेयर, कि लोगों के भले के लिए उन्होंने जो है पॉलिसीज और रूल्स रेगुलेशन बनाए. ही सेट अप अ नेटवर्क ऑफ रेलवेज रोडवेज एंड एक्सटेंडेड द टेलीग्राफ सिस्टम. उन्होंने नई सड़कें बनाई और जो रेलवे नेटवर्क है उसको स्ट्रॉन्ग किया. ग्रैंड ट्रंक रोड वॉज ऑल्सो कम्प्लीटेड बाई हिम. सो ग्रैंड ट्रंक रोड जो काफ़ी सारे हाईवेज को कनेक्ट करती है उसको जो है उन्होंने कम्प्लीट किया. ही ऑल्सो कम्प्लीटेड द वर्क ऑफ बाड़ी डोब कैनाल एंड हंसली कैनाल. तो नहरें उस टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी क्योंकि नहरों से ही पानी लेकर किसान जो है उस टाइम पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करते थे. तो उस टाइम पर बहुत सारे एरियाज ऐसे भी थे जहां पे पानी की कमी थी. तो इस चीज को पूरा करने के लिए उन्होंने आर्टिफिशियल कैनाल्स जो थे वो बनाए. दिस हेल्प टू ब्रिंग बैरन लैंड्स अंडर कल्टीवेशन. तो बैरन लैंड जो बिल्कुल अनफर्टाइल है जहां पर कुछ भी उगाया नहीं जा सकता था, तो वहां पर कैनाल्स प्रोवाइड करके नहरें बनाकर उन्होंने उस एरिया को भी कल्टीवेशन के अंडर लेके आए और इंक्रीज द प्रोडक्शन, जिसकी वजह से अल्टीमेटली जो प्रोडक्शन है वो इंडिया में इंक्रीज हुई. थर्ड पॉइंट है जुडिशियल रिफॉर्म्स. टू प्रोवाइड क्विक एंड चीप जस्टिस टू द पीपल अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल कोर्ट्स वर सेटअप. अब लोगों को इंसाफ जो है जल्दी मिले और अफोर्डेबल हो, उनको ज़्यादा पैसा खर्च ना करना पड़े, तो इसीलिए उन्होंने बहुत सारे जो कोर्ट्स है वो सेटअप किए. दीज कोर्ट्स वर सेंट्रली लोकेटेड सो दैट नो वन हैड टू ट्रेवल मोर देन 14 miles. अब ये जो कोर्ट्स थे वो सेंट्रली लोकेट किए गए ताकि किसी भी इंसान को 14 miles से ज़्यादा चलकर ना जाना पड़े. तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कोर्ट्स
इतने इस्टेब्लिश कर दिए लोकल एरियाज़ में कि लोगों जो है जल्दी कोर्ट तक पहुंच सके और इंसाफ ले सके. जुडिशियल सिस्टम वॉज सिंपल, चीप, क्विक एंड एफिशिएंट एंड बिकम पॉपुलर विद द पीपल. तो उस टाइम पे जो जुडिशियल सिस्टम था जो लोगों को इंसाफ देता था वो बहुत ही सिंपल और अफोर्डेबल और क्विक और बहुत ही अच्छा सिस्टम था जिसमें लोग जो थे इंसाफ ले सकते थे, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी के हों, चाहे वो किसी भी जेंडर के हों और चाहे पुअर लोग हों. तो उस टाइम पर ये सारे चेंजेस जो थे जॉन लॉरेंस ने जुडिशियल सिस्टम में किए थे. फोर्थ पॉइंट है रिफॉर्म्स इन एजुकेशन. सो एजुकेशन सेक्टर में उन्होंने क्या क्या चेंजेस किए. सबसे पहले तो हम एजुकेशन डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो पंजाब में बना था 1856 AD में, ताकि एजुकेशन को प्रमोट कर सकें. द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ प्राइमरी क्लासेस वॉज द इंडियन लैंग्वेज. तो प्राइमरी क्लासेस जो 1 to 5 है उनकी जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है यानी जो उन्हें पढ़ाया जाएगा वो इंडियन लैंग्वेजेस यानी लोकल भाषाओं में पढ़ाया जाएगा. एंड फॉर हायर क्लासेस वाज द इंग्लिश. और जितनी भी हायर क्लासेस हैं उन सब में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो था वो इंग्लिश हुआ करता था. ही ओपन 30 स्कूल्स एट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स. तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उन्होंने 30 स्कूल जो थे उस टाइम पे खोले थे एंड 100 विलेज स्कूल्स इन द रूरल एरियाज. और जितने भी विलेज एरियाज हैं वहाँ पर 100 स्कूल जो थे बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए उन्होंने खोले थे. प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस वर इनकरेज टू ओपन स्कूल. और जितनी भी प्राइवेट संस्थाएं हैं उन सबको इनकरेज किया कि आप लोग जो है स्कूल ओपन करो. और सरकार जो है उनको ग्रांट इन एड यानी कि मदद करती थी, लोन प्रोवाइड करती थी कि अगर आप स्कूल सेटअप करना चाहते हो तो सरकार की तरफ से आपको मदद मिलेगी. तो ये सारे चेंजेस जो थे उस टाइम पे एजुकेशन में हुए थे. फिफ्थ पॉइंट है अ चेंज इन पॉलिसी टूवर्ड्स द जगीरदार्स. जॉन लॉरेंस हैड फार साइटेडनेस. तो जॉन लॉरेंस दूर की सोच रखने वाले एक व्यक्ति थे. सो ही मॉडिफाइड जगीरदार पॉलिसी एंड अलाउड कैश पेमेंट फॉर ऑल द जगीर्स कॉन्फिसिकेटेड. सो यहाँ पर जो जगीर थी उस टाइम पर वो लैंड को बोला जाता था और जो भी उस लैंड का ओनर होता था उसको बोलते थे जगीरदार. इस टाइम पे जॉन लॉरेंस ने जगीरदारी पॉलिसी में कुछ चेंजेस किए. उन्होंने बोला कि जो भी जगीरदार है, जिसके पास अपनी लैंड है, जगीर है, वो जो भी पेमेंट टैक्स देगा सरकार को वो कैश में देगा. एंड ऑल्सो रिकोगनाइज देयर हेरिडिटरी राइट्स कि आपकी जगीर जो है आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन कर सकते हो, उस पर जो राइट है आपके डॉटर या सन का हो सकता है. ही ऑल्सो इंस्ट्रक्टेड द पब्लिक सर्वेंट्स टू प्रोवाइड फैसिलिटीज एंड प्रिविलेजेस टू देम. और उन्होंने जितने भी पब्लिक सर्वेंट्स हैं जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको ये इंस्ट्रक्ट किया वो लोग जगीरदार्स को फैसिलिटीज दें, स्पेशल राइट्स दें, ताकि वो लोग जो है टैक्स कलेक्ट करके सरकार को सबमिट करें. वो तभी कलेक्ट करके वो देंगे अगर सरकार उन्हें कॉपरेट करेगी. तो इसीलिए उन्होंने थोड़े से चेंजेस जो है जगीरदारी पॉलिसी के अंदर किए. और सरकार के लिए उस टाइम पे टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि जब तक टैक्स नहीं होगा सरकार के हाथ में वो कोई भी रेवेन्यू से रिलेटेड जो है डिसीजन नहीं ले पाएंगे. दिस वॉज ग्रेट स्टेप फॉर विनिंग देयर सपोर्ट फॉर द गवर्नमेंट. तो ये जॉन लॉरेंस का बहुत ही अच्छा कदम था जिसमें उन्होंने जगीरदारी सिस्टम में चेंजेस कर जो जगीरदार है उनका कॉन्फिडेंस जीता और ये सरकार के लिए बहुत हेल्प फुल प्रूव हुआ. सिक्स पॉइंट है अबॉलिशन ऑफ ठगी. ही थॉट दैट इविल ऑफ ठगी कुड बी चेक्ड एंड क्रश्ड इफ द सिख वर रिक्रूटेड इन द आर्मी. अब जॉन लॉरेंस ने यह सोचा कि जो ठगी है, जो चोरी होती थी उस टाइम पर, वो तभी रुक सकती है अगर हम सिख लोगों को आर्मी में इंक्लूड करें. देयरफॉर डिस्बैंडेड सिख सोल्जर्स वर नाउ बीइंग एनलिस्टेड इन द आर्मी इन लार्ज नंबर. तो जो भी बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम में सिख आर्मी को ख़त्म किया गया था, अब दोबारा से जॉन लॉरेंस ने सिख सोल्जर्स को आर्मी में इंक्लूड करना शुरू किया. विद देयर हेल्प ठगी वॉज सप्रेस्ड. और सिख सोल्जर्स की मदद से जितनी भी ठगी हो रही थी, चोरियां हो रही थी, वो सब जो है सिख सोल्जर्स की मदद से ख़त्म हो गई. सेवन्थ पॉइंट है प्रोहिबिशन ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड. ही फेल्ट दैट दिस सोशल इविल कुड बी एलिमिनेटेड बाई क्रिएटिंग अवेयरनेस इन द पीपल. अब जॉन लॉरेंस को ये लगा कि जो फीमेल इन्फेंटिसाइड है यानी कि लड़कियों को पैदा होने के बाद मार दिया जाता है, ये जो सोसाइटी के अंदर ये बुरी प्रथा है ये तभी खत्म हो सकती है अगर लोगों को इसके प्रति अवेयर किया जाए. विद दिस एम अ लार्ज दरबार वॉज कन्वीन्ड एट अमृतसर ऑन बैसाखी. तो बैसाखी वाले दिन इसी एम को पूरा करने के लिए उन्होंने एक लार्ज दरबार सेटअप किया जिसमें काफ़ी लोग आए थे. और चीफ कमिश्नर एड्रेस दिस लार्ज असेंबली किलिंग अ फीमेल चाइल्ड वॉज हाईलाइटेड. चीफ कमिश्नर यानी कि जो जॉन लॉरेंस थे उन्होंने उस दरबार के अंदर इस टॉपिक पर डिटेल में लोगों के साथ डिस्कस किया, उन्हें अवेयर किया. और इस कॉन्फ्रेंस का जो असर है वो लोगों पर दिखना शुरू हुआ. लोगों ने उस
चीज़ को समझना शुरू किया और माना कि जो फीमेल इन्फेंटिसाइड है वो गलत चीज़ है। लास्ट 8 पॉइंट है इनकरेजमेंट टू एग्रीकल्चर, यानी कि खेती बाड़ी को बढ़ावा दिया। ही रियलाइज दैट अ हैप्पी पीसेंट वॉज असेंशियल बोथ फॉर द इंडिविजुअल एंड ओवरऑल प्रोस्पैरिटी ऑफ द प्रोविंस। जॉन लॉरेंस ने इस चीज़ का रियलाइजेशन कर लिया था कि अगर वो चाहते हैं उनका एरिया, उनका प्रोविंस जो है तरक्की करे, तो उसके लिए किसानों का खुश होना बहुत ज़रूरी है। ही ऑल्सो रियलाइज दैट मोर द लैंड अंडर कल्टिवेशन मोर स्टेट कुड अर्न। तो जितनी लैंड जो है अंडर कल्टिवेशन होगी, जितनी लैंड पर खेती बाड़ी होगी, उतना ही वो स्टेट जो है अर्न करेगा, उतनी ही उसकी टैक्स कलेक्शन होगी। विद दिस एम ही इनकरेज्ड एंड प्रमोटेड एग्रीकल्चर। तो इसी एम को, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्होंने किसानों को इनकरेज किया और एग्रीकल्चर को प्रमोट किया। ही इस्टेब्लिश एग्रो हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी फॉर कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट विद द वैरायटी ऑफ क्रॉप्स। जॉन लॉरेंस ने एग्रो हॉर्टिकल्चर सोसाइटी डेवलप की जिसके अंदर अलग अलग क्रॉप्स पे एक्सपेरिमेंट हो सकते थे। कौन सी सॉइल में कौन सा क्रॉप सबसे बेस्ट रहेगा, कौन से सीजन में बेस्ट रहेगा, फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स, इन सबसे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट जो भी थे वो एग्रो हॉर्टिकल्चर सोसाइटी में किए जाते थे, ताकि फार्मर्स को इन सारी चीज़ों के बारे में अवेयर किया जा सके। ही कैप्ट द रिकॉर्ड्स ऑफ द पीसेंट लैंड इन द गवर्नमेंट रजिस्टर, और गवर्नमेंट रजिस्टर के अंदर हर लैंड का रिकॉर्ड रखा जाता था। नाउ एंड में कॉन्क्लूजन 4 to 5 लाइन्स, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द कॉन्क्लूजन इन द एंड, इससे आपका आंसर जो है कॉन्क्लूड हो जाएगा। कोई भी इंपॉर्टेंट लाइंस जो हमने पूरे क्वेश्चन में डिस्कस की हैं आप एंड में लिख सकते हो। इनकेस आपको लाइंस नहीं पता लगेंगी, मैंने आपके लिए यहाँ पे लाइंस लिख दी हैं, आप यहाँ से रीड कर लेना। और यहाँ पे एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करके ही आप अपना आंसर लिखोगे। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखोगे, देन आप अपने जो पॉइंट्स है 8 उसको लिखोगे, और एंड में आपका कॉन्क्लूशन। एंड प्लीज़, इट इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ जितना हो सके इस चैनल को सपोर्ट करो, क्योंकि जितना आप सपोर्ट करोगे उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा इस कंटेंट को डालने के लिए। मुझे फीडबैक मिलेगा कि आप लोगों को ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं। आई होप यू विल फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस वीडियो और सिलेबस, प्लीज़ कमेंट बिलो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। ऑल द बेस्ट अचीवर्स, हैव अ नाइस डे।